मित्रों नमस्कार। सुरीला म्यूजिकल एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। आप में से बहुत सारे मित्रों का ये आदेश हुआ था कि जो भी हारमोनियम होते हैं वो थोड़ा सा हमारे बजट में नहीं है, हम अभी सीख रहे हैं, इसके लिए हमें थोड़ा कम कीमत का हारमोनियम चाहिए, अभी हम नया नहीं ले सकते। या कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने ये आग्रह किया कि सर नए हारमोनियम तो ठीक है, वो अच्छे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि अच्छी कंडीशन में और थोड़ा सा कम कीमत में पुराना हारमोनियम कोई मिल जाए हमें। तो आप लोगों का आदेश को मानते हुए अब हम पुराने हारमोनियम्स की एक नई सीरीज लेके आ रहे हैं। ऐसे हारमोनियम जो कि पुराने हैं लेकिन अच्छे हैं, वॉइस क्वालिटी अच्छी है, और ऐसे हैं कि उनको आप पुराने होने के बावजूद लंबे समय तक उनका प्रयोग कर सकते हैं। तो उस तरह के हारमोनियम हम लेके आ रहे हैं जो कि प्राइस में काफ़ी कम होंगे, आपके बजट में होंगे। तो उस कड़ी का ये पहला हारमोनियम है जो आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं। तो ये देखिए, और जिनको भी ये पसंद आता है, लेना चाहते हैं, उनके लिए मैं सारे डिटेल जो है वो डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूँगा। आप लोग वहाँ से या फिर हमारे नंबर पे सीधे कांटेक्ट करके आप ऑर्डर कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं ये हारमोनियम। ये हारमोनियम आप सामने से देखिए सबसे पहले। तो ये हारमोनियम 3.25 तक का है, और ये 5 स्टॉपर्स का हारमोनियम था, लेकिन अभी स्टॉपर्स इसके फंक्शन नहीं है तो वो निकाल दिए गए हैं। और बाकी लकड़ी की क्वालिटी आप देख सकते हैं, काफ़ी ठोस है। और उसके साथ साथ इसका हैंडल आप देखिए, तो ये बहुत ही एंटीक चीज़ है जो बहुत पुराने हारमोनियम्स में लग के आती थी। आप देखेंगे इसकी लकड़ी देख के आपको पता चलेगा कि इसकी क्या क्वालिटी रही होगी। उसके साथ आप ये कीज़ देखिए, ये कीज़ भी लकड़ी के की बनी हुई हैं। और ये जो आपका कीबोर्ड है ये सर बदला गया है, क्योंकि ये इसकी कीज़ काफ़ी घिस चुकी थी। आप यहाँ से देख सकते हैं, ये पहले दूसरा सेलुलॉइड लगा हुआ था इसमें, लेकिन वो काफ़ी ख़राब हो गया था, तो उसके बाद इसमें ये दूसरा कीबोर्ड लगाया गया है। केवल ये ऊपर का ये कवर बदला गया है, बाकी कीज़ वही ओरिजिनल है इसमें। तो ये सिंगल बेलो का हारमोनियम है, और 3.25 में आता है बास मेल। और इसकी जो सबसे ख़ास बात है वो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इसमें जो रीड लगे हुए हैं वो पुराने होने के बावजूद क्या है कि वो स्टैंडर्ड स्केल पर ट्यून्ड है। जनरली क्या होता है कि जो भी पुराने बाजे मिलते हैं उसमें जब हम देखते हैं तो ट्यूनिंग क्या होती है कि हाफ नोट ऊपर बजते हैं। मतलब ये कि जब हम पहला काला बजाते हैं तो वो सी शार्प बोलने के बजाय वो डी पे बोलता है। लेकिन इसकी इसको मैं आपको बजा के सुनाता हूँ, आप इसको चेक कीजिएगा, तो ये बिल्कुल सी शार्प पे ही बोलेगा। आप देखिए इसको, मैं थोड़ी देर के लिए इसको ऐसे प्रेस करके बजाता हूँ, आप इसको चेक कीजिएगा। ये हो सकता है थोड़ा बहुत 10-20 सेंट ऊपर हो, तो वो तो ट्यूनिंग में आ जाएगा, वो हम करवा देंगे, बाकी ये स्केल में है पुराना होने के बावजूद। आइए हम इसकी आवाज़ आप लोगों को सुनाते हैं। हारमोनियम अभी बिक्री के लिए उपलब्ध है, और प्राइस इसका आप लोगों के बजट में है, और आप लोग इसको बेशक मंगवा सकते हैं। बाकी विवरण जो है वो आप डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा। धन्यवाद।